हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग मंडे के सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जो इसके पीछे का लॉजिक है, क्यों हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सभी बात है, आपको क्लियरिटी आएगी और तभी आप ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ट्रेड को बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक है आईटीसी के। सबसे पहले अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक में एक हम लोगों को काफ़ी अच्छी अपमूव के बाद स्टॉक में रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे वन साइडेड स्टॉक में रैली हुआ, उसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन कंसोलिडेशन हुआ, बट वापस से यहाँ पे हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अभी भी बियरिसनेस बना हुआ है। नीचे की साइड अगर बात करें तो स्टॉक को 325-330 के लेवल पे एक सपोर्ट है, जहां तक वापस से स्टॉक आपको की साइड आ सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, वीकली चार्ट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी क्लियरली एक जाइंट कैंडल बना, उसके बाद अगेन एक डोजी टाइप का कैंडल बना, वापस से इस वीक के कैंडल में अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, साथ ही प्रीवियस वीक के क्लोज के नीचे जो है स्टॉक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और वीकली बेसिस पे अपने लोएस्ट लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ है। तो 325 के लेवल तक स्टॉक जो है आपको नीचे की साइड जा सकता है, तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे मंडे के सेशन में। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 336 के लेवल के नीचे, 336.5 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड जो इस स्टॉक में हम लोगों का SL होगा 338 का होगा, तो तकरीबन 2.5 पॉइंट का हम लोगों का 1.5 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 335 का, 335 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा हम लोगों का रहेगा 333 का। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक में डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट जरूर दिख रहा है, लेकिन स्टॉक जो है अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के अराउंड यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की साइड बात करेंगे, एक बार अगर स्टॉक यहाँ पे 114 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में वापस से हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को वेट करना होगा अपने एंट्री पोजिशन का। यहाँ पे जो हम लोगों का एंट्री पोजिशन है 112.5 के लेवल के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे, 112.5 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का SL रहेगा वो रहेगा 111.5 पे। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो 112.5 के ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे, 111.5 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है 113.5 पहला टारगेट रहेगा, 114.5 हम लोगों का दूसरा टारगेट रहेगा। इनकेस आप लोगों को लेवल्स को नोट डाउन करने में या फिर स्क्रिप्ट नेम को जानने में कोई भी परेशानी होती है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आपको स्क्रिप्ट और लेवल्स मिल, यहाँ पे आप लॉजिक समझ सकते हो, ध्यान से लॉजिक को सीख सकते हो, जिससे कि आप खुद भी एनालिसिस करके अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। स्टॉक के वीकली चार्ट पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, इस स्टॉक को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो में भी हम लोगों ने इस स्टॉक को कवर किया था। यहाँ पे क्लियरली देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक ने यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पे, तो इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम डेफिनेटली हम लोगों को आता हुआ दिख सकता है। और L&T ग्रुप के सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा बुलिशनेस को मिल रहा है। L&T ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, और साथ ही साथ L&T इन्फोटेक में भी एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को
मिल सकता है। तो इस ग्रुप के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे भी बात करेंगे, इस स्टॉक में एक ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम आ चुका है, लेकिन और भी ज़्यादा हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे फ्राइडे के हाई के ऊपर स्टॉक जो है आपको ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट होने वाला है, हम लोगों का एंट्री पॉइंट होने वाला है 4318 के लेवल के ऊपर। 4318 के लेवल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, 4280 का हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो तकरीबन 38 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 4256 का, दूसरा टारगेट रहेगा 4294 का। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है ग्रासिम। अगेन इस स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक जो है थर्ड वीक ऑफ जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है और 1800 के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक तकरीबन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जनवरी इनफैक्ट 2022 में यहाँ पे जो है सेकेंड टाइम स्टॉक जो है 1800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे जनवरी के सेकेंड वीक में क्लोजिंग दिया था, बट उसके इमीडिएट बाद हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वापस से ब्रेकआउट दिया है और टेक्सटाइल सेक्टर के सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ग्रासिम में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का आपको एंट्री लेवल रहेगा 1825 के लेवल के ऊपर। 1824.7 जो है फ्राइडे का हाई है, उस लेवल के ऊपर 1825 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है इमीडिएटली हम लोग बाय करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1815 का होगा, 10 पॉइंट का एसएल होगा। पहला टारगेट 1835 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1845 का रहेगा। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है ECC के। अगर डेली चार्ट में देखेंगे इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा 2600 के लेवल के ऊपर स्टॉक जो है यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। लोअर वीक रिजेक्शन कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है नीचे से बायर्स जरूर इंटरेस्टेड है। ऊपर की साइड अगर हम लोग इस स्टॉक में को रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है अराउंड 2740-2750 के रेंज पे है। तो रेसिस्टेंस अभी काफ़ी दूर है, स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बना है, आपको क्लियरली 130 के लेवल के बाद स्टॉक आपको इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो 2615 के लेवल जैसे ही ब्रेक होता है इमिडिएटली हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का नीचे की साइड स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का, 15 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 2630 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2645 का। आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।